चलो तो अपन बात कर रहे हैं बेटा किसकी, एसी की। एसी का मतलब बुढ़े अल्टरनेटिव करंट की जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 100 ohm रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। इसका मतलब बुढ़े बात करें एक रेजिस्टेंस है। और तीन बेटा बात करें आपके पास इलेक्ट्रिकल, हमारे पास क्या होती है बेटा बात करें जल्दी बोलो। फिजिकल क्वांटिटी होती है जैसे रेजिस्टेंस हो गया, जैसे बेटा रजिस्टर हो गया, जैसे आपका इंडक्टर हो गया मतलब इंडक्टेंस की बात करेंगे, और कैपेसिटर हो गया मतलब कैपेसिटेंस की बात करेंगे। तो वो ये कह रहा है कि एक रजिस्टर है, रजिस्टर मान लिया, हाँ ये रजिस्टर है, कोई बल्ब है, कोई ट्यूबलाइट है, मतलब जो अपने अंदर गुजरने वाली करंट का अपोज करे। और रजिस्टर का गुड़े एक प्रॉपर्टी बिल्कुल फिक्स है कि वो चाहे एसी गुजरे चाहे डीसी, दोनों का गुड़े बात करें सेम मैनर में अपोज करता है, समझ पा। जैसे इंडक्टर है तो वो आराम से किसको गुजरने देता है बेटा बात करें, एसी को गुजरने देगा कि डीसी को, डीसी को, डीसी को आराम से गुजरने देता है और एसी को रोकता है। और उल्टा होता है कैपेसिटर का काम, कैपेसिटर एसी को गुजरने देता है और डीसी को रोकता है, समझ पा। जबकि रजिस्टर क्या होता है वो दोनों का ही फ्लो का अपोज करेगा। तो एक गुड़िया रजिस्टर है, रजिस्टर का गुड़िया बात को रजिस्टेंस कितना दे रखा है 100 ohm, कितना दे रखा है बेटा बात करें 100 ohm दे रखा है। और वो कह रहा है कि इस रजिस्टर को मैंने किसी गुड़िया बात करें बैटरी से जोड़ दिया, ऐसी बैटरी से जोड़ दिया जिसका जो वोल्टेज है बेटा बात करें वो क्या दे रखा है 220 वोल्ट। अच्छा जो सप्लाई वोल्टेज होता है इसको अपन बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा, वो आपको नहीं बोलेगा कि आरएमएस वैल्यू है, पर आपको समझ में आना चाहिए कि जो सप्लाई वोल्टेज होता है, जो गिवन वोल्टेज होता है वो क्या होता है बेटा बात करें, तो वो सप्लाई वोल्टेज के नाम से जरूर बोलो, क्योंकि कई बार पीक वैल्यू भी तो दे सकता है वो आपको। तो सप्लाई वोल्टेज को अपन, सप्लाई करंट को अपन क्या बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, क्या बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो 220 वोल्ट। और वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो करंट है बेटा बात करें इसकी, या फिर जो गुड़े बात कर हमारे पास, हाँ करंट है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी दे रखी 50 हर्ट्ज, ये उसकी क्या दे रखी है जल्दी बोलो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बात समझ पा रहे। तो आपको रेजिस्टेंस मिल गया, आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई, आपको गुड़े बात के वी आर एम एस मिल गया। अब उसने पूछा क्या है, अब वो पहला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द गुड़े बात का सर्किट। आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है पहले, तो आरएमएस वैल्यू मुझे किसकी चाहिए, करंट की चाहिए ना बेटू, किसकी चाहिए बताओ। बिल्कुल, आई आर एम एस वैल्यू फाइंड आउट करना है पहले क्वेश्चन में, तो निकाल दो गुड़े बात कर बताओ क्या होता है हमारे पास। बी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, बी बराबर आई आर, ये गिवन है तो ये भी आर एम एस वैल्यू है, ये भी आर एम एस वैल्यू है, बात समझ पा रहे हो। तो बताओ बी बराबर क्या होता है, आई आर, अरे होता है कि नहीं होता है, आई इंटू आर। तो बताओ बेटा बात क्या, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन गुड़िया बात करें क्या आर। वी आर एम एस कितना दे रखा है 220, 220 लिया अपन अपॉन बेटा बात के 220 वोल्ट अपॉन ओम कितना दे रखा है 100 ohm। वोल्ट पर ओम क्या होता है एम्पियर, क्या होता है बेटा ये वोल्ट पर ओम क्या होता है एम्पियर, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 को डिवाइड करोगे पॉइंट लग जाएगा, मतलब कितना आ रहा है 2.2 एम्पियर आ गया। आंसर देखो इतना ही आ रहा है क्या, इतना ही आंसर आ रहा है, पीछे आंसर देख लो 2.2 एम्पियर, बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा था, जो गुड़े अपन को ये रिलेशन बता रहा है V=IR, क्लियर है, ओम्स लॉ वाले कंसेप्ट की बात कर ली अपन ने। अब इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन मतलब बी जो दे रखा है, वो उसने ये कहा है व्हाट इज द नेट पावर बेटा बात करें कंज्यूम्ड ओवर ऑफ गुड़े बात करें फुल साइकिल, मतलब यहाँ पे कितनी, जब रेजिस्टेंस से कुछ करंट का फ्लो हो रहा है वो कुछ करंट के अपोज कर रहा है, मतलब कुछ करंट का लॉस कर रहा है हीट के फॉर्म में, बात समझ पा रहे, साउंड के फॉर्म में। अब देखो ये जो फैन है आवाज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, साउंड फॉर्म हीट को लॉस कर रहा है कुछ, इसको देखो गुड़े बात कर हीट भी इसका मतलब कुछ गर्म भी हो रहा है, हीट के फॉर्म में एनर्जी को लॉस कर रहा है, मतलब ओवरऑल कुछ ना कुछ पावर को कंज्यूम ये कर रहा है ना। अच्छा अगर देखना चाहे हमारे पास गुड़िया, तो जो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस गुड़े बात इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है गुरु बात करें कि एंगल होता है, जब अपन आगे अपनी इसकी थ्योरी अपने जो पढ़ी है, ठीक है जो अपन पढ़ेंगे, ठीक है तो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो तुम समझ गए ठीक है, पर तुम हंस के ऐसे वो करोगे तो मैं खेल नहीं पाऊंगा। मैंने कहा पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर अभी फॉर्मूला याद करते जाओ आपके सामने सब कुछ आएगा, बस मैं आपको पहले क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, अब मैं खुल के ही बोलता हूँ कि जो मैं पहले टॉपिक के क्वेश्चन करा रहा हूँ फिर अपन थ्योरी पढ़ेंगे, समझ पर होता है उल्टा है, पहले थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। अपन आपको पहले क्या करा रहे हैं क्वेश्चन, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि मुझे किन चीजों पर मेनली फोकस करना है जब सर थ्योरी पढ़ाए, तो समझ में आ रहा है। तो बताओ पावर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, पावर क्या होता है बेटा एवरेज जो पावर होता है जो कंज्यूम होता है गुड़े बात करें, ठीक है वो पावर क्या होता है वी आर एम एस वैल्यू इंटू बेटा बात करें क्या करंट की आर एम एस वैल्यू इंटू गुड़े बात करें क्या कॉस फाई, क्या होता है बेटा कॉस फाई। अच्छा ये होता है गुड़े पावर का फॉर्मूला। रजिस्टेंस में गोलू बात करें, इंडक्टेंस में और कैपेसिटेंस में कुछ डिफरेंस है, अगर केवल आप बेटा रजिस्टर की बात कर रहे हैं तो रजिस्टेंस में अगर अपन देखें जो करंट है, या फिर जो गुड़े इसके रजिस्टर के टर्मिनल के अक्रॉस जो आपने क्या लगाया वोल्टेज लगाया, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा बात करें, जो आपने क्या लगाया वोल्टेज लगाया, वोल्टेज लगाया, क्या लगाया वोल्टेज, मतलब बैटरी की सप्लाई की,
तो यहां पे करंट और पूरे बात करें वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। अगर कोई रेजिस्टेंस है, कोई रजिस्टर है, तो उसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। अभी सेम फेज क्या होती है ये भी आपको बताएंगे। इसका मतलब वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं। करंट और वोल्टेज के बीच में 0 डिग्री का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है? 0 डिग्री का। ये सेम फेज का मतलब है गुड़े बात करें कि सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं बेटा, बात करें प्रोपगेशन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहां पे जो फाय है वो कितना आ रहा है? 0 डिग्री। ये हमेशा याद रखना, करंट और वोल्टेज के बीच में 0 डिग्री का डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में गुड़े गति करते हैं, करंट और वोल्टेज। कहां पे? रेजिस्टेंस। किसके अंदर अपन बात कर रहे हैं? रेजिस्टेंस में। अच्छा, आपने कहा कि अगर यहां पे इंडक्टर हो, इंडक्टर हो, अगर इंडक्टर होगा ना बेटा, बात कर हमेशा याद रखो, तो जो करंट है इसके अंदर से बहने वाला, और इस इंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस आपने जो बैटरी का बेटा बात करें वोल्टेज सप्लाई किया, मतलब जो यहां पर क्या है वोल्टेज है, वी वोल्टेज है। ठीक है, तो यहां पे वोल्टेज और करंट में से कौन किसको लीड करता है, कौन किसको लैग करता है, कौन गुड़े बात क्या बता सेम फेज में होता है। अगर एक साथ एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो इसका मतलब इनके बीच में गुड़े बात कर जो एंगल है, एंगल डिफरेंस कितना है? 0 है, तो वो सेम फेज में कहलाते हैं। पर अगर इंडक्टर की बात करो, इंडक्टर मतलब बेटा एल होता है, एल इंडक्टर, और इंडक्टर का जैसे रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के फ्लो का अपोज करना, इंडक्टर का काम होता है गुड़िया बात करें करंट के चेंज का अपोज करना, फ्लो का अपोज करना नहीं, चेंज का अपोज करना, समझ पा रहा? अच्छा, ये कंडीशन हमारे पास अगर देखना चाहो यहां पे, तो यहां पर वोल्टेज लीड करता है किसको? करंट को। अगर इसमें अपन देखें तो जो वोल्टेज है कौन है? वोल्टेज, आपको खुद पता चल जाएगा, अभी देखो आपको प्रूफ करूंगा। तो यहां बेटा बात करें वोल्टेज क्या है? लीड करता है किसको? करंट को। मतलब करंट से बेटा बात कर जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री थीटा इक्वल्स टू या फाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो यह बोल सकते हैं पाई बाय टू रेडियन, या बोल सकते हैं क्या बेटा बात करें 90 डिग्री से लीड करता है। मतलब वोल्टेज आगे है और करंंट कहां पर है? पीछे। कई बार ऐसा ग्राफ नहीं दिया जाता तो ऐसा भी दे सकता है इसकी जगह, क्या करंट को नीचे कर देगा और वोल्टेज को आगे कर देगा। अभी भी आप देखो हमेशा आपको ये लगे कि करंट से आगे है वोल्टेज, ये वोल्टेज और ये क्या है? करंट। अगर बुढ़े बात करें माइनस वाई में वो करंट दे रहा है तो उसको बेटा बात के प्लस एक्स में क्या देना पड़ेगा? वोल्टेज देना पड़ेगा। और प्लस वाई में अगर वोल्टेज दे रहा है तो प्लस एक्स में उसको करंट देना पड़ेगा। आपको ये हमेशा पता चलेगा कि जो करंट है करंट से गुड़े बात का 90 डिग्री आगे कौन है बेटा बात का बताओ? वोल्टेज है। बात समझ में आ रहा है? करंट हमेशा पीछे है, मतलब करंट को बेटा बात का लीड कौन कर रहा है? वोल्टेज। वोल्टेज लीड्स करंट गुड़े बात कर बाय पाई बाय टू रेडियन और 90 डिग्री, या फिर करंट बेटा बात कर लैगिंग गुड़े बात कर बता है बाय वोल्टेज, या करंट बेटा बात कर लैगिंग फ्रॉम वोल्टेज। करंट हमेशा वोल्टेज से पीछे रहेगा और वोल्टेज हमेशा करंट से आगे रहेगा। कितने डिफरेंस से, कितने डिग्री से आगे रहेगा? 90 डिग्री से, या पाई बाय टू रेडियन से, पाई रेडियन है ना, तो इसका मतलब गुड़िया बात करिए आपको हमेशा याद रखना। अच्छा, यहां पे अगर होता ये, अगर उसने यहाँ पे क्या दिया होता सोचो गुड़िया, अगर यहाँ पे इंडक्टर दे देता तो अपन यहाँ पे कॉस कितना लेते? 90 डिग्री। अगर वो बेटा बात कर यहाँ पे इंडक्टर देता तो अपन यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू क्या लेते? फाई, देखो इसमें खुद देखो आप, पावर आप निकाल लेंगे, पावर डिपेंड कर रहा है वोल्टेज और करंट पर। और दूसरी बात, उन दोनों के बीच की गुड़े बात का पता फेज डिफरेंस पर, किस पर डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे जो कॉस फाई क्या है? फाई एंगल है। आप कॉस फाई में बोलो कॉस थीटा को, पर फाई आपके एनसीईआरटी ने बोला है और क्वेश्चन में आपको फाई ही मिलेगा। इसको बोलते हैं अपन फेस डिफरेंस। क्या बोलते हैं? फेस डिफरेंस का मतलब कौन आगे और कौन पीछे जा रहा है, समझ पा रहे हो? 90 डिग्री गुड़िया बात करें आगे होता है इसमें वोल्टेज, किसमें? इंडक्टर में। और 90 डिग्री पीछे होता है करंट, कुछ भी बोल सकते हैं आप, किससे? वोल्टेज से। लेकिन रेजिस्टेंस में हमेशा वोल्टेज और करंट सेम फेस में गति करते हैं, कोई ना आगे होता है ना ही कोई पीछे होता है। तो अगर रेजिस्टेंस है तो यहां मुझे मतलब पता चल गया ना फाई की वैल्यू क्या है? 0। लेकिन इंडक्टर होता तो फाई की वैल्यू 90। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा होता है बेटा बात करें हमारे पास थर्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या होता है बेटा बात कर? स्टोर एनर्जी, समझ पा रहे हो? एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर के कितने गुणे बात कर अपन देखते हैं? करंट। अब आप बोलोगे कैपेसिटर में करंट थोड़ी लिखते हैं, क्यू इक्वल्स टू सी भी लिखते हैं अपन, मतलब चार्ज लिखते हैं, पर चार्ज आएगा तो करंट ही तो आएगा कि नहीं आएगा? तो बेटा बात के माने ये करंट है, करंट कहां से आएगा? चार्ज के फ्लो से, फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और दूसरा बेटा बात करें अगर इस कैपेसिटर के टर्मिनल के अक्रॉस अपन क्या लगाते हैं गुड़िया, सोचो क्या लगा रहे अपन? बैटरी, एक बैटरी सप्लाई कर देते हैं। अगर आप बैटरी की सप्लाई करते हो, बैटरी सप्लाई करते हो मतलब ये वोल्ट की क्या है यहाँ पर? बैटरी है, बैटरी की सप्लाई करते हो, तो यहाँ पे बेटा कौन किसको लीड करता है, कौन किसको लैग करता है? कैपेसिटर के अंदर हमेशा गुड़े बात करें अगर ये आपने बनाया वोल्टेज तो करंट इसको लीड करेगा, करंट 90 डिग्री आगे होता है किससे? वोल्टेज से, समझ पा रहे? या तो बोलो 90 डिग्री या बोल सकते बेटा बात करें क्या? पाई बाय टू रेडियन। ये क्या होता है यहाँ पर? फाई। फाई यहाँ पर क्या है? फेस डिफरेंस, कि वोल्टेज से आगे हमेशा चलेगा, कौन चलेगा? गुड़े बात करें करंट, एकदम फंडामेंटल है ये,
एसी के अंदर आपको पढ़ना है तो तीन ही बेटा बात करें, पता है, सिस्टम के बारे में पढ़ना है। एक तो रजिस्टर, दूसरा बेटा बात करें इंडक्टर, तीसरा कैपेसिटर। रजिस्टर के अंदर अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं चाहता हूं यही क्वेश्चन खत्म कर देता मैं, पर मुझे मैं आपको ये चाह रहा हूं कि आपको थ्योरी का पता चले थोड़ी बहुत, ठीक है, कि अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस ना हो तो क्या दे सकता है वो, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ना हो तो क्या दे सकता है, कैपेसिटेंस, बात समझ पा, मतलब कैपेसिटर। तो तीनों में एक ही चीज है, फॉर्मूला यही है, पावर एवरेज का, एवरेज का ही फॉर्मूला बेटा बात कर रहे, पता है, पावर आरएमएस वैल्यू करंट की और वोल्टेज की और उनके बीच का फेस डिफरेंस। अगर ये रजिस्टर है, जैसे उसने इस क्वेश्चन में क्या कहा बताओ बेटा बात करें, व्हाट्स द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल, एक पूरी साइकिल के दौरान कितना बेटा बात करें इसने पावर कंज्यूम किया, तो बताओ आपको बीआरएमएस वैल्यू पता चल गई क्या, बीआरएमएस वैल्यू क्या है वोल्टेज की, जो सप्लाई वोल्टेज होता है, आपने कहा ना क्वेश्चन में बुढ़े बात करें, जो सप्लाई वोल्टेज है बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू, तो वो कितना दे रखा है, 220 वोल्ट इंटू बुढ़े बात कर रहा, आई आर एम एस करंट की बेटा आर एम एस वैल्यू क्या दे रखी है, वो 2.2 एम्पियर अपन ने अभी निकाला, 2.2 एम्पियर। अच्छा वोल्ट इंटू एम्पियर को अपन दीदी बात करें क्या बोलते हैं बेटा बात करें, जल्दी बोलो, पावर की यूनिट, पावर क्या होता है, वॉट होता है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, या तो बोलो बेटा बात का वोल्ट एम्पियर, या बोल सकते हैं वॉट इंटू क्या जाएगा, जल्दी बोलो, कॉस फाई। अच्छा कॉस फाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0 डिग्री, क्योंकि आपने देखा था रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज के बीच में क्या एंगल है, बात करें 0 डिग्री, सेम फेज में होते, किसमें होते बेटा बात करें, करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज, दोनों एक साथ चलते, ना कोई आगे होता है ना कोई पीछे होता है, जो आगे होता है उसको बोलते हैं ये लीड कर रहा है, और जो पीछे होता है बोलते हैं लैग कर रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो बेटा बात करें सेम फेज में, सेम फेस इन सेम फेस। अब कितनी भी थ्योरी हो दीदी बात करें, वो थ्योरी आपके काम की नहीं, काम की थ्योरी केवल ये है बेटा बात कर, जो मेन फॉर्मूले हैं। अच्छा यहाँ पे देखो कॉस फाई की वैल्यू, कॉस 0, अच्छा कॉस 0 आ गया ना बेटा, फाई की वैल्यू 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 1 इंटू समथिंग समथिंग, आया समझ में, और बेटा बात करें 1 0 बुढ़ा दो तो इसका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, अरे हो जाएगा, अब बुढ़े बात करें 22 का 23 में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितना आ गया, 22 दूनी 44 4, और 22 दूनी 44 4 48, आए कि नहीं आए, बताओ बेटा बात करें कितना आ गया हमारे पास, 484 बुढ़े बात करें वॉट, निकाल दो आंसर, आ गई नहीं है क्या, 22 दूनी 44 की 4, पावर की 4, फिर 22 बुढ़े बात करें 2 44 और 4 48, तो इतना मतलब बेटा बात करें 484 वॉट बुढ़े बात कर, पता है इस रेजिस्टेंस के यहाँ पे क्या पावर कंजप्शन है, आंसर देखो कितना आ रहा है, आगे क्लियर है। तो एक मुझे ये बेटा आ रहा है मतलब पावर का फॉर्मूला चाहिए, दूसरा मुझे बुढ़े बात कर किसका फॉर्मूला चाहिए था, करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस का, और तीसरा आपने गुड़े बात कर यूज किसका किया बताओ, पीक वैल्यू का, पीक वैल्यू कभी नहीं आया ना, पीक वैल्यू का भी गुड़े बात के फॉर्मूला फिर देख ही लो, तीन फॉर्मूला एक साथ ही रखो इनको। अगर बेटा बात करें अपन देखें वीआरएमएस, आरएमएस जो वैल्यू होती है वोल्टेज की हो चाहे बेटा बात करें करंट की हो, आरएमएस वैल्यू ये हमेशा गुड़े बात करें पीक वैल्यू का क्या होता है, बाई रूट टू टर्म, क्या होता है, बाई रूट टू, मतलब पीक वैल्यू बाय रूट टू जो होता है उसको अपन बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। जो गुड़े बात करें करंट है हमारे पास क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, आई जल्दी बोलो क्या, नॉट बाय रूट टू, ये गुडे बात करें यहां पर आरएमएस में और पीक वैल्यू में रिलेशन होता है। जो आरएमएस वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू का, पीक मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होता है। जो गुडे बात करें आरएमएस वैल्यू होती है, जो सप्लाई वैल्यू होती है चाहे वोल्टेज की हो चाहे करंट की हो, वो उस वोल्टेज की मतलब मैक्सिमम वैल्यू का क्या होता है, 1/√2 टाइम्स। करंट की अगर आपको आरएमएस वैल्यू चाहिए, आरएमएस मतलब क्या, सप्लाई वैल्यू, समझ पा रहे, तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू का कितना होता है, 1/√2 टाइम्स होता है। तो वी आर एम एस टू वी नॉट बाय रूट टू, और आई आर एम एस टू आई नॉट बाय रूट टू, जो वी नॉट और आई नॉट है वो क्या कहलाती है, पीक वैल्यू, क्या कहलाती है, पीक वैल्यू, समझ पा रहे, मैक्सिमम वैल्यू, समझ में आ रही है, स्टार्टिंग वैल्यू। तो ये गुड़े बात कर यहाँ पे कंडीशन होते हैं, इनको आप उठा के देख लो, तीन फॉर्मूले आप लिखो यहाँ पर, नोट करो उसको फटाफट, आगे ना पहला क्वेश्चन करो। पर मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा बेटा, ये जरूर याद रखो दीदी बात, फेस डिफरेंस, फाई यहाँ पर कितना है 0, फाई यहाँ पर कितना है 90, और फाई यहाँ पर क्या बेटा 90, किधर देखा आपने, कैपेसिटर में जो फेस डिफरेंस है करंट और वोल्टेज में वो कितना है, और जो बुढ़े बात करें पता है हमारे पास इंडक्टर में फेस डिफरेंस वो कितना है, और जो बेटा बात कर रेजिस्टेंस फेस डिफरेंस वो क्या, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, फेस डिफरेंस क्या होता है, करंट और वोल्टेज के बीच का बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, फेस डिफरेंस, जो फाय है वो क्या है, फेस डिफरेंस। तो फेस डिफरेंस क्या होता है, करंट और वोल्टेज में से कौन बुढ़े बात के साथ साथ चल रहा है, कौन बुढ़े बात करे पता है कितने डिग्री से आगे पीछे है। तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज साथ साथ है, तो फेस डिफरेंस 0, और बेटा इंडक्टर में क्या देखा, वोल्टेज आगे है कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, या पाई बाई 2 रेडियन से, मतलब करंट को लीड कौन कर रहा है, वोल्टेज, करंट पीछे पीछे, वोल्टेज आगे आगे 90 डिग्री से, समझ में आ रहा है दोस्त। अगर वही कैपेसिटर में चले जाओ उल्टा कर दो,
करंट लीड करेगा वोल्टेज को, मतलब वोल्टेज पीछे है, पीछे पीछे जा रहा है और करंट आगे आगे, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ ना पा रहे, करो नोट।